जब अक्टूबर 2021 में फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटावर्स रखा, तब सारे इन्वेस्टर दौड़ दौड़ के मेटावर्स में इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन आज हम देखेंगे मेटावर्स होता क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, या फिर ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो मेटावर्स के ऊपर काम कर रही है, और अगर हम इसी कंपनी के स्टॉक्स ले लें तो हमें उससे ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेटावर्स मतलब एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं। अभी आपको ये सिर्फ साइंस फ्रिक्शन लगता होगा, लेकिन एक टाइम पे सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्टफोन, इंटरनेट, इवन लाइट भी एक साइंस फ्रिक्शन ही थी। मेटावर्स का टोटल मार्केट कैप है $800 बिलियन। सो अगर आप मेटावर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा ही फायदा होगा। आइए देखते हैं ऐसे कौन से 7 मेटावर्स के स्टॉक्स हैं। इसमें ज्यादातर कंपनीज यूएसए की है, और यूएसए के कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करें इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। नंबर 1, फेसबुक। मेटावर्स सेक्टर का पोटेंशियल जान के ही मार्क जुकरबर्ग ने अपने कंपनी का नाम ही चेंज कर दिया। जुकरबर्ग ने खुद के $10 बिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में इतने होते हैं, इतने सारे पैसे मेटावर्स के डेवलपमेंट में लगा दिए हैं। सो अगर आप फेसबुक के शेयर्स लेते हो, इसका मतलब आप मेटावर्स में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे फेसबुक में एड्स आती है, वैसे कंपनी का प्लान है मेटावर्स में ही वर्चुअल एड्स लाने का, जो एड्स डिजिटल एड्स से भी ज्यादा रेवेन्यू कमा के देगी कंपनी को। सो कंपनी का प्रॉफिट मतलब शेयर होल्डर्स का भी प्रॉफिट। नंबर 2, यूनिटी सॉफ्टवेयर। ये कंपनी 3D गेम बनाने में एक्सपर्ट है। इसके अलावा कंपनी इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर, एनिमेशन एंड इंजीनियरिंग डिजाइन भी करती है। इस कंपनी ने वेटा डिजिटल विजुअल इफेक्ट स्टूडियो का एक हिस्सा खरीद लिया है, सो इनके पास ये एडवांटेजेस है। 3rd, रॉब्लॉक्स कॉर्प। ये कंपनी एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करती है, लोगों को ऑनलाइन गेम डेवलपमेंट में हेल्प करती है। इनके पास वीडियो गेम्स के ऑलमोस्ट 50 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स है। नंबर 4, ऑटोडेस्क। सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोडेस्क के ऑटोकैड का बहुत ज्यादा यूज होता है, और ऑटोडेस्क 3D बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में मेटावर्स में हेल्प करने वाली है। 5th, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प। इन्होंने किसी और एक कंपनी के साथ टाइप किया है, जिनके पास 400 मिलियन यूजर्स है गेमिंग के। कहा जाता है मेटावर्स में माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक दोनों ही लीडिंग कंपनी होने वाली है। 6th, एनवीडिया कॉर्प। इस कंपनी में ग्राफिक्स, वीडियो प्रोसेसिंग चिप्स एंड हाई डिमांडिंग कंप्यूटर सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड VR एप्लीकेशंस का मैन्युफैक्चरिंग होता है। इन सारे चीजों का मेटावर्स में हर एक पर्सन के लिए यूज होने वाला है। जैसे आज हर एक पर्सन कंप्यूटर यूज करता है, वैसे VR, सुपर कंप्यूटर हर एक पर्सन को लगेगा आगे जाके, और ये कंपनी इसके पार्ट्स बनाती है। सो आगे जाके ये कंपनी डिमांडिंग होने वाली है। 7, क्वालकॉम। क्वालकॉम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस कंपनी के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट एंड चिप मेकिंग द बेस्ट क्वालिटी का है। इस कंपनी का स्नैपड्रैगन सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट नेक्स्ट इंटरनेट जनरेशन को डोमिनेट करने वाला है, ऐसे उनके CEO ने खुद कहा था। अगर आपने आखिर तक ये वीडियो देखी है तो आपको ये टिप है, मेटावर्स में इन्वेस्ट करें या ना करें, मेटावर्स क्रिएट करने वाले कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनके स्टॉक्स के भाव बढ़ने ही वाले हैं। डेली 1 मिनट में स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।